वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो चैप्टर है क्लास 12 अकाउंटेंसी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है SBPD पब्लिकेशन का डॉक्टर SK सिंह का, और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23। अब एक बात ध्यान सुनिए, क्लास 12 का जो आपका एग्जाम होगा राइट, उस एग्जाम में बहुत हद तक चांस है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्रीज पूछा जा सकता है। और जर्नल एंट्रीज के आपका कॉन्सेप्ट पे ही आपका ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकता है, एक एक नंबर वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पूरा अच्छे ढंग से अभी हम लोग क्या करेंगे जर्नल एंट्रीज समझने का कोशिश करेंगे राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और एक बात, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या क्या आपका जर्नल एंट्रीज हो सकता है, उस सारा वीडियोस बना के मैंने सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो के क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्या जर्नल एंट्रीज राइट। देखिए सबसे पहले बात को समझिए कि जो जर्नल एंट्रीज होगा ये किसके बुक्स में होगा, फर्म के बुक्स में, किसके बुक्स में, फर्म्स के बुक्स में, यानी बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है, फर्म के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है सारी बातों को सोचना है, पार्टनर्स के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, फर्म के अकॉर्डिंग कि मैं क्या हूँ, फर्म का अकाउंटेंट हूँ राइट। फर्म का समापन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उस समय फर्म अपने बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज करेगा इसके बारे में आपको सोचना है। और दो तीन कॉन्सेप्ट ध्यान सुन लीजिए, कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट करेगा फर्म अपने बुक्स में, और कैपिटल घटेगा तो क्या करेगा डेबिट। फर्म अपने बुक्स में अगर पार्टनर्स कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करेगा और घटता है तो डेबिट करेगा, ये कॉन्सेप्ट क्या करेंगे दिमाग में आप रख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देख लीजिए लिखिए क्या है सोल्यूशन नंबर 1 और आपको जर्नल एंट्रीज बोल रहा है। एक बात और ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन में जब आप इसका जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो जर्नल का जो 5 कॉलम्स होता है ना उसमें बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आप क्या करेंगे पूरा अच्छे ढंग से कॉलम्स में क्या करेंगे बनाएंगे, क्लास 11th में आपने सीखा होगा जर्नल चैप्टर में विथ नरेशन के साथ राइट। हम आपको विदाउट फॉर्मेट क्या करेंगे कॉलम्स के अनुसार नहीं बताएंगे, मेंटली लिख लिख के क्या करूंगा बताऊंगा, ऐसे आपका टाइम क्या होगा बचेगा। लेकिन आप एग्जामिनेशन में जर्नल का जो 5 कॉलम्स है उसी में क्या करेंगे आप बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है आपका ए, पहला ट्रांजेक्शन है ए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड रुपीज कितना 2500 यानी 2500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ आपका 2500, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और बैंक के फॉर्म में देंगे तो टू बैंक, सीधा सा बात है। तो पहला एंट्री होगा, देखिए लिखेंगे क्या जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, 5 कॉलम्स बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, उसमें आप लिखेंगे, ठीक है। मैं भी ऐसे ही बना के दिखाता हूं, तो आपका ए हो गया, तो आपका क्या बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा आपका डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट राइट। एंट्री क्या हो गया मेरा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया मेरा कैश अकाउंट, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दें राइट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया मेरा कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इसलिए किए क्योंकि रियलाइजेशन असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के सेटलमेंट पे कुछ खर्च हुआ होगा जिसे हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो उस पर खर्च हुआ तो आपका नॉमिनल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, और फर्म से क्या जाएगा आपका कैश, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो आपका कितना हो गया आपका 2500, तो यहाँ पर कितना लिख दिया हम लोग आपका 2500, और ये भी कितना लिख दिया हम लोग 2500, ये मेरा एंट्री हो गया। अब देखिए एंट्री नंबर आपका बी वाला, देखिए क्या बोलता है बी में, क्या बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग रुपीज
3000 पेड बाई अशोक वन ऑफ दी पार्टनर। अब आप बताइए आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसको देना चाहिए, फर्म को, फर्म के बुक्स में ना, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपका कौन दे रहा है, आपका अशोक, अशोक कौन है आपका वन ऑफ दी पार्टनर। यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म का ना खर्चा माना जाएगा, बिजनेस का ना खर्चा माना जाएगा, लेकिन वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेड कौन किया आपका, अशोक, और अशोक कौन है आपका पार्टनर से, ठीक है। तो अशोक दिया है, देना चाहिए फर्म को, तो फर्म क्या करेगा, अशोक का कैपिटल क्या करेगा, बढ़ा देगा। फर्म क्या करेगा, अशोक का कैपिटल क्या करेगा, बढ़ा देगा। फर्म को देना था, फर्म नहीं दिया, अशोक दिया, पार्टनर है तो ठीक है, पार्टनर दिया तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ा देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका एंट्री क्या हो जाएगा, आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और किसका कैपिटल बढ़ाएगा आपका, अशोक का, क्योंकि आपका अशोक बियर किया ना, अशोक दिया है ना, तो अशोक का कैपिटल क्या करेगा, अशोक्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेगा, अशोक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अशोक्स कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा मेरा, देख लीजिए 3000, कितना हो जाएगा मेरा 3000, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 3000, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए अगर फॉर्म देता तो टू कैश लिखता, लेकिन आपका कौन दिया, अशोक, तो ठीक है अशोक का कैपिटल बढ़ा देगा, कौन, फॉर्म अपने बुक्स में, ठीक है। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट अशोक कैपिटल हो गया। उसके बाद देख लीजिए सी नंबर में कौन है आपका, बोलता है अमित अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू रिलाइज द ऑफिस एट कॉस्ट रुपीज 4000, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड रुपीज कितना 3000। इसको समझिए, बोलता है अशोक, सॉरी अमित को क्या किया आपका अपॉइंटेड किया, अमित जो पार्टनर है उसको क्या किया अपॉइंटेड किया, नियुक्त किया, और बोला कि असेट्स को बेच के जो भी पैसा आएगा ये सब काम तुम करना, जिसके लिए हम तुमको कितना देंगे आपका 4000। यानी जो फर्म है, जो फर्म है वो अमित को कितना देगा आपका 4000, ठीक है। तो 4000 फॉर्म के लिए खर्च कितना माना जाएगा 4000, फॉर्म के लिए आपका रिलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना माना जाएगा 4000, लेकिन बोलता है द एक्चुअल अमाउंट टू रियलाइजेशन अमाउंटेड कितना 3000। तो एक्चुअल अमाउंट कितना हुआ उससे हमको क्या मतलब है, वो तो अमित के लिए ना फायदा वाला बात हो गया कि 4000 में नियुक्त किया गया और खर्चा बेचारा को 3000 हुआ, तो वो तो अमित को 1000 फायदा हो गया। तो अमित के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, हमको फॉर्म के अकॉर्डिंग सोचना है। तो फॉर्म तो बेचारा 4000 ही देगा ना, किसको, अमित को। तो यहां पर जो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट, राइट, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू कौन है आपका, अमित को देगा ना, तो क्या होगा मेरा, अमित कैपिटल अकाउंट, क्या होगा मेरा, अमित कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, और अमित का कैपिटल क्या करेगा, बढ़ाएगा, कौन, फर्म, अपने बुक्स में। तो मैंने बोला कि कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, और कितना से 4000 से, 3000 से नहीं, कितना से 4000 से, क्यों, क्योंकि आपका फर्म के लिए तो 4000 ना खर्च माना जाएगा, अमित 3000 किया उसका अलग बात है, अमित के लिए प्रॉफिट हो गया, लेकिन फर्म अपने बुक्स में 4000 से एंट्री पास करेगा, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा, अमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। अब लोग बात करते हैं कितना का, क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 2, राइट, सॉल्यूशन नंबर कितना का बात करते हैं हम लोग, 2 का, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर कितना का बात करते हैं, 2 का, इसमें भी यही है ना, तो चलिए ए, इसमें क्या बोलता है ध्यान से देखिए। सबसे पहले व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब फर्म के समापन के समय जो भी आपका ट्रांजेक्शन है इसका आप क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, आप क्या करें बताएं। तो चलिए सबसे पहला लेते हैं, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कितना 3200। अब बोलेंगे सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ध्यान से बोलता है वैसा लायबिलिटीज जिसका जिक्र आपका बैलेंस शीट में ना हो, वैसा लायबिलिटीज जिसका जिक्र बैलेंस शीट में ना हो, रिकॉर्डेड ना हो, तो क्या कहलाएगा अनरिकॉर्डेड।
क्या लिखा है कहलाएगा आपका अनरिकॉर्डेड, यानी वैसा आपका लायबिलिटी जिसका जिक्र बैलेंस शीट में ना हो, रिकॉर्ड में ना हो, वो क्या कहलाएगा मेरा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ठीक है जी। अब देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज किसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका बिजनेस है, फर्म है, राइट, और कोई आपका क्या हुआ कंपनसेशन देना पड़ा, कोई क्या हुआ केस वगैरह चल रहा था, एम्प्लॉय वगैरह आप पे क्या किया था, केस कर दिया था, तो कोई कंपनसेशन आपको देना पड़ा, तो पहले तो लायबिलिटीज नहीं था, लेकिन कंपनसेशन अब देना पड़ेगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा वो कर्ज, क्या हो जाएगा कर्ज। तो आपका क्या होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, बताइए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का आपको पेमेंट करना है तो आपके लिए आपका क्या एक्सपेंसेस हुआ, इनकम हुआ, एक तरह से आपका एक्सपेंसेस लॉसेस हुआ, एक्सपेंसेस लॉसेस होगा तो रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा डेबिट। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, राइट। अब मेरे पास से क्या चला जाएगा कैश, कैश तो कैश, बैंक तो बैंक, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा कैश अकाउंट, कितना 3200, कितना 3200, और ये भी कितना हो गया मेरा 3200। अब ध्यान से एक बार जब आप असेट्स लायबिलिटीज को क्लोज कर देते हैं फिर से असेट्स लायबिलिटीज डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट इसलिए किए क्योंकि लॉस हो गया जी, राइट, आपका कर्ज नहीं था अब कर्ज बन गया तो लॉस हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। अब बिजनेस से क्या जाएगा कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो आपका ये एंट्री मैंने पास कर दिया। अब देखिए बी नंबर वाला एंट्री देखिए, बोलता क्या है स्टॉक वर्थ रुपीज 7500 टेकन बाय पार्टनर रोहित। देखिए आपका फर्म का स्टॉक था, फर्म का क्या था स्टॉक था, जो कौन ले लिया आपका रोहित, कौन ले लिया रोहित। अगर ये स्टॉक को फर्म बाहर बेचता मार्केट में बेचता तो पैसा आता, ठीक है, लेकिन रोहित जो पार्टनर ने बोला स्टॉक मुझे दे दे, तो ठीक है फर्म क्या करेगा रोहित से पैसा काटेगा, रोहित से पैसा लेगा, तो रोहित का पैसा लेगा तो रोहित का अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका कैपिटल क्या करेगा घटा देगा, क्या करेगा घटा देगा। अरे स्टॉक बाहर बेचता मार्केट में बेचता पैसा आता, सीधा सा बात है, कौन ले लिया रोहित, तो ठीक है रोहित से कैपिटल से क्या करेगा पैसा वसूलेगा, तो रोहित का कैपिटल फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में घटा देगा, ठीक है। तो घटाएगा तो क्या करेगा डेबिट, याद रखिएगा कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। तो आपको क्या करेगा देख लीजिए, यहां पे करेगा आपका रोहित है ना, तो रोहित कैपिटल अकाउंट क्या करेगा डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट क्या करेगा डेबिट, और टू क्या करेगा रियलाइजेशन अकाउंट, टू क्या करेगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, कितना देख लीजिए आपका कितना था 7500 ना, तो कितना हो गया 7500, ठीक है। रोहित का कैपिटल घटा दिया, स्टॉक का पैसा रोहित के कैपिटल से वसूलेगा कौन फर्म, तो डेबिट कर दिया, और स्टॉक को बेचने से क्या होगा इनकम प्रॉफिट होगा ना, तो आपका रिलेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट और इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट, ठीक है। देखिए मैं एंट्री भी लिखा रहा हूं और साथ में डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ ये भी समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अब सी नंबर एंट्री, सी में क्या बोलता है ध्यान से देखिएगा, बोलता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू रुपीज 18,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स आशीष एंड तरुण इन द रेशियो ऑफ 5:7। देखिए ध्यान से बोलता क्या है कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनाया गया, राइट, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाया गया तो उस पर प्रॉफिट हुआ कितना 18,000 जो आपको बांटना है किसमें आशीष और तरुण में, किस रेशियो में 5:7। तो पहले बताइए रियलाइजेशन प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, लॉस आता तो कैपिटल घटता, प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट। मैं बार बार बोल रहा हूँ किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा तो फर्म अपने बुक्स में क्रेडिट करेगा, और कैपिटल घटेगा तो क्या करेगा डेबिट, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले एंट्री देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, एंट्री क्या हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, उसके बाद कौन आपका आशीष और तरुण,
ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू, कौन है आपका? तरुण है ना, आशीष, और कौन है आपका? तरुण है, और कितना देख लीजिए 18,000, तो कितना लिख दीजिए 18,000, और इसको क्या करें, बांटेंगे कितना में, 5:7 में, ठीक है, तो 5:7 में बांटेंगे, तो देखिए सिंपल सा मैं कैलकुलेटर से आपका कर देता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कितना हो गया 18,000 है ना, 18,000 हो गया, 5, 5 और 7, 12, तो आपका 5 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 12, ठीक है, तो कितना आया 7,500, कितना आया 7,500, और उसके बाद इसका जो आएगा आपका 10,500, कितना आएगा 10,500, यानी 5:7 में क्या किया आपका, बांट दिया, तो आपका रिलेशन अकाउंट क्या हो गया आपका डेबिट, और एक्सपेंसेस लॉसेस आर क्या हो गया आपका डेबिट, और ये जो आपका था किसमें चला गया आपका, आशीष और तरुण में, तो आशीष तरुण का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया क्रेडिट, और ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, तो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा किसका, रिलेशन अकाउंट का, तो डेबिट करके खाता क्या कर दिए क्लोज, ठीक है। उसके बाद एक एंट्री और बचा हुआ है, बोलता क्या है, अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज कितना 5,500, वैसा असेट जिसका जिक्र बैलेंस शीट में ना हो, राइट, और उसको बेचने से आपको कितना पैसा आ जाए आपको 5,500, तो क्या होगा आपका, पैसा आएगा ना, तो क्या होगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कितना लिख लीजिए 5,500, तो कितना लिखेंगे हम लोग 5,500, यहाँ भी कितना लिखेंगे 5,500, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1, 2 क्या हो गया उसका मैंने जर्नल एंट्रीज कर दिया, अब मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या करूँगा सॉल्व करके बताऊँगा, लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्या करें इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का जर्नल एंट्रीज बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, बोलता है व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड यू पास फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस, मतलब जो भी आपका ट्रांजेक्शन दिया हुआ है इसका आप क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, इसके बारे में क्या करें आप बताएं। तो चलिए मैं जल्दी से इसका क्या करता हूँ जर्नल एंट्रीज पास करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और ट्रांजेक्शन नंबर 1, देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 1 में क्या बोलता है आपका, बोलता है डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू रुपीज कितना 500, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज कितना हुआ है आपका 500, ठीक है जी, तो एंट्री क्या हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या होगा मेरा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा कैश या बैंक, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, चलिए कैश ही लेके चलते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा मेरा 500, कितना हो जाएगा मेरा 500, और ये भी कितना हो जाएगा 500, रियलाइजेशन आपका नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, बिजनेस से फर्म से कैश गया है कैश रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैंने एंट्री पास कर दिया। उसके बाद देख लीजिए सेकंड जो आपका जर्नल एंट्रीज है या ट्रांजेक्शन है, बोलता है अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज कितना 2,500, अनरिकॉर्डेड असेट्स से आपको कितना पैसा मिला 2,500, अनरिकॉर्डेड असेट्स किसे कहते हैं मैंने बताया है वैसा असेट जिसका जिक्र आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना हो बैलेंस शीट में ना हो, उसको बेचने से पैसा आया कितना 2,500, तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्या होगा मेरा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा कैश अकाउंट क्या होगा डेबिट, और टू क्या होगा मेरा रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा मेरा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी, कितना देख लीजिए आपका 2,500, कितना है 2,500, और ये भी कितना हो गया मेरा 2,500, ठीक है, आपका कैश बिजनेस में आया कैश रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, और रिलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किए क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट्स को बेचने से पैसा आया 2,500 इनकम हो गया, रिलाइजेशन अकाउंट और इनकम प्रॉफिट को क्या करते हैं क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ट्रांजेक्शन नंबर 3,
ट्रांजेक्शन नंबर आपका थर्ड में क्या बोलता है, स्टॉक वर्थ रुपीज 2000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, मतलब जो स्टॉक है वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है, मतलब रिलेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट किया जा चुका है, स्टॉक अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। वॉज टेकन ओवर बाई ए, और वो जो स्टॉक था ना वो कौन ले लिया आपका, ए। अगर ये स्टॉक को बाहर बेचता, फर्म जो है बाहर बेचता तो उससे पैसा आता, लेकिन कौन ले लिया आपका, ए। ठीक है, ए के कैपिटल से पैसा काटेगा, यानी ए का कैपिटल क्या करेगा, घटाएगा, कौन, फर्म, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो क्या करेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या करेगा, एज कैपिटल अकाउंट क्या करेगा, डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, टू क्या हो जाएगा मेरा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, तो आपका लिख लीजिए कितना है आपका 2000, यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग 2000, राइट, यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 2000। एज का कैपिटल घटाना है, मैंने पहले बोला कैपिटल घटेगा किसी भी कारण से तो डेबिट और बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो एज का कैपिटल घटाना है तो डेबिट किए, और स्टॉक से क्या हुआ आपका इनकम प्रॉफिट हुआ ना, किसको, फर्म को, तो रिलेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम प्रॉफिट को क्या किया, क्रेडिट। ठीक है, तो ये मैंने एंट्री पास कर दिया। अब लोग बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर कितना का, फोर का। फोर में देखिए क्या बोलता है, क्रेडिटर्स ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, यानी जो क्रेडिटर्स है रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, यानी एंट्री क्या हुआ होगा, जब ट्रांसफर हुआ होगा तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज हो चुका है रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। वेयर पेड, कितना आपका 3000 पेड करेंगे तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे हम लोग, रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट, पेड किया है ना, तो आपके पास से बिजनेस से पैसा क्या होगा, जाएगा, तो कैश आपका रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, कितना आपका है 3000 ना, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे 3000, और यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 3000। ठीक है, और ट्रांजेक्शन है, हाँ एक ट्रांजेक्शन और है, इसको भी क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखिए बोलता क्या है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 4000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर रेशियो, कितना आपका 3:1, यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया गया जिसपे प्रॉफिट कितना है आपका 4000, जिसको ए और बी में बांटिए 3:1 में। तो पहले बताइए कि रियलाइजेशन प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा तो डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो हम लोग एंट्री पास क्या करेंगे देख लीजिए, रियलाइजेशन क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, और टू कौन है आपका, कैपिटल बढ़ाएंगे ना, प्रॉफिट हुआ है ना एज का और बीज का, तो क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, फिर क्या लिखेंगे, टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट, एज कैपिटल अकाउंट, और टू क्या लिखेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ा दिए। ठीक है, 3:1 यानी 3000 और 1000 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे पहले लिखिए 4000, राइट, कितना था आपका 4000, और 3:1 सिंपल कैलकुलेशन है 3000 और 1000, और ये जो कैलकुलेशन किया है ना 3:1 3000 1000 वर्किंग नोट्स में क्या करेंगे आप दिखा देंगे। ठीक है, तो आपका बन चुका है क्वेश्चन नंबर कितना आपका, आपका 3। अब हम लोग कौन सा बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं हम लोग क्या, सोल्यूशन, सोल्यूशन नंबर कितना लिख दें हम लोग 4। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 4 और ट्रांजेक्शन 1। ठीक है, ट्रांजेक्शन 1 में देखिए क्या बोलते हैं आपका, बैंक लोन 12000 इस पेड। पहले मैं थोड़ा सा इसमें बात बोलता हूँ, देखिए इसमें और भी कुछ सेंटेंस है, व्हाट जर्नल इंट्रीज, मतलब बोलता है आप कौन सा जर्नल इंट्रीज पास करेंगे, और बोलता है कि जितने भी असेट्स से लायबिलिटीज है कैश को छोड़ के सब रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। यहाँ पे लिखा व्हाट जर्नल इंट्रीज, और भी आपका कुछ सेंटेंसेस है, उस सेंटेंसेस में इसी बात का मेंशन कर रहा है कि जितने भी असेट्स हैं लायबिलिटीज है रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है कैश को छोड़ के, वही सेंटेंस को मैंने नहीं लिखा क्योंकि थोड़ा जगह कम था, है ना, आप अपने किताब में देख लीजिएगा। तो पहला बोलता है ट्रांजेक्शन क्या, बैंक लोन 12000 इज पेड, तो बैंक लोन पेड करेगा तो ये सब आपका ट्रांसफर हो चुका है रिलेशन अकाउंट में, तो सिंपल सेंट्री क्या होगा, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट, और टू क्या देखिए बैंक है ना, तो बैंक लिख दीजिए,
क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा क्या करेगा, काटेगा। बैंक लोन का पेमेंट कर रहे हैं ना, कितना आपका 12,000, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12,000 और यहाँ पर भी कितना लिख दीजिए आप 12,000, ठीक है। फिर देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन्स क्या बोलता है, देख लीजिए आपका बोलता है क्या, स्टॉक वर्थ ₹6,000 इज टेकन ओवर बाय पार्टनर है, यानी जो स्टॉक है कौन ले लिया आपका, बी, ठीक है। अगर स्टॉक को बाहर बेचता, फर्म बाहर बेचता तो उससे पैसा आता, ठीक है भैया, बी ले लिया, बी के कैपिटल से पैसा काटेंगे तो बी का कैपिटल फर्म अपने बुक्स में क्या करेगा, कम करेगा ना, तो आपका क्या लिखेगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेगा, बीज कैपिटल अकाउंट क्या लिखेगा, डेबिट, और टू क्या लिखेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, टू क्या लिखेगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना हो गया आपका 6,000, कितना हो गया आपका 6,000, और ये भी कितना हो गया मेरा 6,000, ठीक है। बी के कैपिटल से पैसा काट लिया। ट्रांजेक्शन नंबर 3 देख लीजिए, ट्रांजेक्शन नंबर कितना देखेंगे हम लोग, 3rd, थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा ठक ठक का, इसलिए सॉरी, ठीक है। बात करते हैं 3, बोलता है क्या ट्रांजेक्शन नंबर 3rd, एक्सपेंसेज ऑन डिजोल्यूशन अमाउंटेड 1500 एंड वेयर पेड बाय द पार्टनर है। देखिए आपका डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज हुआ है तो किसको देना चाहिए, फर्म को, लेकिन कौन दे रहा है आपका, पार्टनर ए, तो ठीक है भैया आपका फर्म क्या करेगा, ए का कैपिटल बढ़ा देगा, क्यों, क्योंकि ए ने दिया है, देना किसको चाहिए था, फर्म को, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज है ना, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन, क्या हो जाएगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू कौन है आपका, किसको दे रहा है आपका, ए को ना, तो ए का कैपिटल क्या करेगा, फर्म अपने बुक्स में बढ़ा देगा, तो क्या लिखेगा, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए 1500 है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 1500, यहाँ भी कितना लिख देंगे 1500, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4, बस 2 ट्रांजेक्शन और है, बोलता क्या है, अ टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर सोल्ड रुपीस कितना 200, ध्यान से, एक आपका क्या था, टाइपराइटर था जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंप्लीटली क्लोज राइट ऑफ कर दिया गया, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टाइपराइटर का एक रुपया भी शो कर रहा नहीं है, लेकिन आप टाइपराइटर लोहा लक्कड़ के भाव में बेचेंगे, कवर खाना में बेचेंगे, तो कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा ना, तो वो जो आप टाइपराइटर को बेचे तो कितना है आपका 200, एक तरह से अनरिकॉर्डेड असेट्स हो गया, तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक रहेगा तो बैंक लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, और आपका टाइपराइटर का जो आपका अवशिष्ट मूल्य था, जो बेकार पार्ट था, कबर खाना में बेचने से भी कुछ पैसा आया, तो एक तरह से इनकम प्रॉफिट हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दिए, क्रेडिट, कितना आपका 200, तो यहाँ पर कितना लिख दें 200, यहाँ पर भी कितना लिख दें हम लोग 200, ठीक है। अब देखिए एक ट्रांजेक्शन और क्या बोलता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन 14,000 वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5:2। देखिए यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस से कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा, कमेगा, लॉस से कैपिटल क्या होगा, कमेगा, और कैपिटल कमेगा तो कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कमेगा तो डेबिट, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका लॉस हुआ है ना, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखते जाइएगा क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट, फिर क्या लिखेंगे, 20, राइट, क्या लिखेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट, टू क्या लिखेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि लॉस से कैपिटल घटाना था, सीधा सा बात है, तो डेबिट कर दिए, और लॉस है तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा, क्रेडिट करके खाता क्या कर दिए, क्लोज, किसका, रियलाइजेशन अकाउंट का। अब देखिए आप जब बांटेंगे ना 14,000 है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 5:2, यानी 10,000 और 4,000 कितना हो जाएगा आपका, आपका 10,000, 10,000 और कितना हो जाएगा 4,000, राइट, 5:2 हो गया ना, यहाँ पर कितना हो गया आपका 14,000, ठीक है। कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 और रियलाइजेशन अकाउंट कितना 14,000। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 और 4 बनके तैयार हो गया। अब क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी क्वेश्चन 5, 6, 7 जितने भी हैं उसका क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा, चाहे क्लास 11th और 12th हो या बीकॉम से रिलेटेड। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।